पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक को समाप्त करने के लिए कल पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सोनिया गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी का अध्यक्ष बनाया। सोनिया गांधी के इस फैसले को कई राजनीतिक विशेषज्ञ कई मायनों में बड़ा बता रहे हैं। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब में अध्यक्ष नियुक्त करके पार्टी हाईकमान ने साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह संकेत दिया है कि सत्ता का कांग्रेस में एक ही केंद्र होगा, केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को हर पार्टी के हर वर्गर को सम्मान देना होगा, चाहे वे किसी भी पद पर ही क्यों ना हो। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू से भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह पार्टी के खिलाफ कोई भी बयानबाजी ना करें जिससे कांग्रेस पार्टी की छवि को नुकसान हो। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पूरा ख्याल रखा है, नवजोत सिंह सिद्धू को बिल्कुल भी पंजाब कांग्रेस पर एकाधिकार करने की जगह नहीं दी गई है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी हाईकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के साथ ही पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पसंद का ख्याल रखते हुए उनके 5 समर्थकों को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। जुड़े रहिए SPN News से। धन्यवाद।